उमरिया मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली पहुंचे, जहां उनका स्वागत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व क्षेत्रीय विधायक मीना सिंह भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने पुष्प गुच्छ देकर आतिशबाजी के साथ किया। इस दौरान इन्होंने माता बिरासिनी के दरबार पहुंचकर पूजा अर्चना की व माता रानी से आशीर्वाद लिया। ऊर्जा मंत्री ने अपने प्रवास के दौरान संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना पहुंचे, जहां पावर प्लांट का निरीक्षण किया व अधिकारियों की आवश्यक बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सोच को साकार करने के लिए वह प्रदेश के सभी पावर प्लांट व सब स्टेशनों का निरीक्षण कर रहे हैं। तोमर ने कहा कि प्रदेश के पावर प्लांटों में कम लागत कर अधिक विद्युत पैदा हो, जिससे उपभोक्ताओं को कम दर पर बिजली मिले, ये प्रदेश सरकार की सोच है। देखिए, आज हम उसको देखने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का बहुत स्पष्ट सोच है कि आम उपभोक्ता को बिना बाधा के बिजली मिले, और उसके लिए मेरा दायित्व तो बनता है कि समय समय पर उन विद्युत इकाइयों का, सब स्टेशनों का जानकारी लूं, उसमें क्या चल रहा है, खर्चे कैसे कम हों, जिससे उत्पादन पे खर्चे कम होंगे तो बिजली की दर कम बढ़ेगी। इन सब चीज़ों के कारण मैं आज बिरसिंहपुर में उस प्लांट का निरीक्षण करने आया हूँ। देखिए, मैं और आदरणीय हमारे मंत्री जी खड़ी हैं, मीना सिंह जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत साफ सोच है, और इस संबंध में कोई परेशानियाँ होंगी हम मिल करके ठीक करेंगे। ये उमरिया से राजश्री मिश्रा की ये रिपोर्ट।